आज हम बनाने वाले हैं टमाटर की मीठी चटनी। तो इसे बनाने के लिए हमने टमाटर को इस तरीके से कट करके लिया है। फिर हमने कढ़ाई में सरसों तेल गरम किया है, इसमें हम 5 फोरन डालेंगे। जब 5 फोरन चटक जाए तब हम इसमें 2 सूखी लाल मिर्च डालेंगे और 1 तेज पत्ता। आधे मिनट के लिए भून लेंगे। अब आधे मिनट बाद इसमें हम टमाटर को डाल देंगे और अच्छे से मिलाएंगे। फिर हम इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम इसे ढककर मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। अब 4-5 मिनट पकाने के बाद ये देखिए टमाटर जो है वो अच्छी तरीके से गल चुका है, ये अच्छी तरीके से पक गया है। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी आप अपने मिठास के हिसाब से ऐड करें। मिक्स करेंगे। फिर हमने ये आम पत्ती ली है, किशमिश लिया है और खजूर लिया है। इन सभी चीज़ों को हम चटनी में डाल देंगे। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। फिर से हम इसे ढककर 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे। अब 2 से 3 मिनट बाद हमारी चटनी जो है वो बनकर तैयार है। एक बार इस तरीके से आप टमाटर की मीठी चटनी बनाकर ज़रूर ट्राई करें। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।